के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल रहा है। शुक्रवार को पहले दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी चली, इसके बाद सोमवार को मुंबई में अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया और आसमान में घने बादल छा गए। इसके बाद मुंबई में धूल भरी आंधी और बारिश शुरू हो गई। मुंबई में दिन के समय अंधेरा छा गया और तेज हवाओं के साथ तापमान नीचे गिर गया। मौसम विभाग ने इसकी भविष्यवाणी दो दिन पहले ही कर दी थी। ऐसे में ये जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर समेत देश का मौसम कैसा रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और मध्य भारत में 14 मई तक और भारत के दक्षिणी क्षेत्र में 16 मई तक गरज के साथ बारिश होगी। आईएमडी के अनुसार 16 मई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में फिर से लू हावी हो जाएगा। मौसम विभाग ने ये भी संकेत दिया है कि एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन में मौजूद है और मध्य शोभ मंडलीय पश्चिमी हवाओं में एक ट्रफ रेखा मौजूद है, जिसकी वजह से इसी तरह का मौसम दक्षिणी राजस्थान और निचले शोभ मंडलीय स्तर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बना हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से गरज और बिजली गिरने के साथ बारिश की संभावना है। 14 मई को हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड, गिलगित और बालूचिस्तान पर इसका प्रभाव कम होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और राजस्थान में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ छिटपुट से मध्यम बारिश होने की संभावना है और ये 16 मई तक जारी रहेगा। अगले दो दिनों में दक्षिण राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज सधी हवाएं भी चल सकती हैं। स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिणी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय कर्नाटक और केरल में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ कुछ भारी बारिश की संभावना है। पश्चिमी हिमालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की छिटपुट बारिश हो सकती है। वहीं गुजरात के मौसम की अगर बात करें तो गुजरात का मौसम भी अचानक बदल रहा है। कल गुजरात के मौसम ने अचानक करवट ले ली, जिससे राज्य के 6 जिलों में बेमौसम बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग की माने तो 13 से 16 मई तक गुजरात के कुछ राज्यों में बेमौसम बारिश का दौर जारी रहेगा। राज्य के कुछ जिलों में अगले 4 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने वाला है। वहीं 14 मई को अहमदाबाद, राजकोट, अमरेली, गिर सोमनाथ, भावनगर, भरूच, सूरत के साथ कई जगहों पर गरज के साथ छिटपुट बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार 15 मई को गिर सोमनाथ में छिटपुट बारिश का अनुमान है। वहीं 16 मई को बनासकांठा में बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की स्पीड 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय होने से गुजरात में बारिश की स्थिति बनेगी। दो दिन बाद तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने की आशंका है। इसके अलावा 14 मई को अहमदाबाद के कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। शुक्रिया।